हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स वाला। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब यहाँ पे इस 36 मीटर दिया गया है, इसमें लोग थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं, तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं करना। देखिए, हाफ द पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 36 मीटर है। आपको पता है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन होता है उसका बेसिकली जो पेरीमीटर होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है, l प्लस b होता है। ये आप प्रीवियस क्लास में 6 से पढ़ते आएंगे, ठीक। तो अब आप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर छोटा सा गार्डन बना लीजिए। मान लीजिए सपोज ये हमारा लेंथ हो गया और ये क्या है, विड्थ। अब यहाँ पे लेंथ को देखिए, हम टू वेरिएबल फॉर्म पढ़ रहे हैं, यदि हम टू वेरिएबल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो उस केस में लेंथ को x मान लेते हैं और विड्थ को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सॉल्यूशन में पार्ट बना जाएंगे। लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है आप टेक करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ध्यान दीजिएगा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज आप क्या मानेंगे सर जी, x मान लेंगे, एंड जो आपका विड्थ है उसे आप क्या मानेंगे सर जी, y। विड्थ ऑफ जो है बेसिकली रेक्टेंगुलर गार्डन को जो आप टेक करेंगे वो आप क्या मानेंगे सर जी, वाई मान लेंगे। तो इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी मीन्स जो लेंथ है वो एक्स हो गया एंड आपका जो विड्थ है वो वाई मीटर हो गया। अब इस तरीके से यदि आप आगे बात करें सर, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये बोला गया कि सर जी हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ और विड्थ, लेंथ जो है वो 4 मीटर का है, मोर देन इट्स विड्थ है। तो 4 मीटर मोर मतलब कि मान लीजिए सपोज 2 मीटर लेंथ मतलब कि 2 मीटर विड्थ हुआ तो लेंथ कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ये 82 का मतलब है भाई लोग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे ये कहा गया कि यदि आप बेसिकली लिखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस क्या हो गया सर, 4 हो गया, होगा या नहीं होगा सर, बोलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4 होगी, बोलो समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं सर, इसी इक्वेशन को जो है थोड़ा सा y की वैल्यू पे इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे टेक कर लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी टेक कर सकते हैं, इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, आई बस समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो। दूसरा इक्वेशन इसने कहा था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और विड्थ के बारे में बात करूं इज 36 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करें तो हमारा जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो क्या होता है सर जी, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर 2 टाइम्स हमने पढ़ा एल प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम ये बात करें सर, तो उसने आपसे ये कहा गया हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ लगा दिए, ठीक, और 2 टाइम्स क्या कर दिया सर, एल प्लस बी कर दिया। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसके बाद कितना सर, 36 है, बोलो इतना समझ में आ गया। अब मेरे भैया लोग इसको यदि आप हम सॉल्व करें इस तरीके से, यहाँ पे l प्लस बी बराबर 36, तो l की वैल्यू हमने क्या माना सर, x, और जो विड्थ हमारा है वो कितना सर, y है। तो इस तरीके से आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया सर, सेकेंड बन गया, बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल गए हैं, बोलो समझ में आ गए हैं कि नहीं मेरे भाई, क्लियर है, अब कोई दिक्कत इसमें कैलकुलेशन, ठीक। अब इसके बाद जो है सर हम क्या करेंगे, चलिए आगे ध्यान से समझिएगा और इसको आगे, अब यहाँ पे हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसकी वैल्यू निकालना है सर, डायमेंशन बताना है, क्या बताना है, डायमेंशन बताना। अब डायमेंशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, डायमेंशन को बताने के लिए जो है हमें बेसिकली ग्राफिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने किसी मेथड का यूज पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ना हमने जो है एलिमिनेशन पढ़ा। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम इन सब चीज़ों के सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल मजा आएगा आपको, ठीक है ना सर, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, आपके पास दो इक्वेशन आ गए, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गया x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 36 आ गया। तो अब इनसे हमें क्या करना, ग्राफिकली से सॉल्व करेंगे, तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं हम, वहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे जिससे कि सर इन दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है ना सर, ध्यान से समझिएगा। तो x यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया सर, आपका माइनस एक्स प्लस क्या होगा, 4 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ गया। अब सर हम x की ऐसे वैल्यू लेंगे जिससे कि आगे चल करके हम स्केल टेक कर सकें, तो लेट कर लेते हैं, पुट करते हैं सर x इज इक्वल टू, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी टेक करेंगे x इज इक्वल टू 10, खासकर इस क्वेश्चन को ग्राफिकल करने के, ठीक है ना सर।
तो x is equal to 10, अब तो इसका अभी हम आपको दूसरा मेथड भी सिखाएंगे, परेशान बिल्कुल आप नहीं होइए, ठीक। तो x is equal to 10 आप करेंगे तो y is equal to क्या आ गया सर, 10 माइनस कितना आ गया 4, तो दैट मींस कितना आ गया सर 6 आ गया, बोलो क्लियर है। इसी तरीके से आप ये पुट कर दीजिए, x बराबर है सपोज 12 पुट करते हैं तो y is equal to क्या आ जाएगा सर, 12 माइनस 4 दैट मींस कितना आ गया सर जी 8 आ गया, कितना आया सर 8 आ गया। इसी तरीके से यदि आप x is equal to जो है पुट कर दीजिए, x is equal to लेट सपोज कितना 16 पुट करेंगे, तो x is equal to 16 पुट करेंगे तो y is equal to कितना आ जाएगा 16 minus 4 that means कितना आ गया सर 12 आ गया, बोलो क्लियर है ये। तो क्या आ गया सर 16, मतलब वो x is equal to आपने 16 पुट किया तो y is equal to कितना आ गया 12 आ गया, बोलो आया समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए x बराबर 20 तो y is equal to कितना हो जाएगा 20 minus 4 बराबर कितना आ गया सर 16 आ गया, बोलो क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर ये हम इसमें बड़ी बड़ी आपको सर ये गैपिंग हम बेसिकली देखो 10 फिर 12 फिर इसके बाद 16 फिर 20, क्योंकि हम लोग वैल्यू बड़े बड़े इसलिए क्योंकि ये बड़ी वैल्यू 36 है ना, इस वजह से हम इसमें स्केल लेकर के अगर आपको बनाएंगे इसलिए कर रहे हैं। तो आपके पास जो बॉक्स आ गया सर ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास x हो गया, ये y हो गया, x की जो वैल्यू है सर आपका जब 10 है तो y की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, x की वैल्यू जब आपके पास 12 है तो y की वैल्यू कितनी है सर 8 आ गया। इसी तरीके से x की वैल्यू जो 16 है तो y की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक। इसी तरीके से आप आगे देखें तो x की वैल्यू जब 20 है तो y की वैल्यू कितनी है सर 16 है, बोलो बात समझ में आ गई ना। तो ये हमने क्या किया सर, 4 वैल्यूज ऑब्टेन कर ली। चलिए सर अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, बोलो इतना समझ में आ गया मेरे भाई लोग, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आप इसे समझते चलिए। अब इसके बाद जो है सर ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 36 माइनस क्या हो जाएगा सर x है। अब हम x की वैल्यू भी यहां पे उसी तरीके से टेक करेंगे जिससे कि ये वैल्यू हमें कुछ बने, तो देखिए पुट करते हैं x is equal to लेट्स सपोज जिसमें भी हमने मान लेट्स सपोज 20 पुट करते हैं तो y इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा सर 36 माइनस कितना आ गया सर 36 माइनस कितना हो गया 20 हो गया दैट मींस कितना आ गया 16 आ गया y की वैल्यू, ठीक। अब आप पुट कर दीजिए x बराबर कितना लेट्स सपोज आपने पुट कर दिया सर 16 पुट किया तो y is equal to 36 माइनस कितना हो गया आपका ध्यान से देखिए 36 माइनस कितना हो गया सर 16 है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बोलो क्लियर है ये। तो इस तरीके से इसमें हमने दो ही वैल्यू से हमारा काम, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास मिल चुका है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए मेरे भैया लोग, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं ज्यादा वैल्यू। तो x की वैल्यू आपका 20 है तो y की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू कितनी है 20 है, बोलो क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें सर आगे समझ में, ठीक है। आप मन के एक हल वैल्यू और निकालना चाहते हैं तो पुट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू आप 18 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 36 माइनस 18 बराबर 18 आ जाएगा, बोलो क्लियर है। तो आप इसे और भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलो क्लियर है, बोलो आगे समझ में, ठीक है। तो चलिए इसको ग्राफ पर देखते हैं और इसका हमारा आंसर क्या निकलेगा, समझते हैं डायमेंशन में निकालना था। तो हमें यहाँ इन दोनों बॉक्स को देखने से ये पता चलता है कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू 20 और 16 आपका कॉमन है, मतलब ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया, कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका। तो चलिए इसे ग्राफ से देख लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसमें स्केल टेक करेंगे सर, स्केल आप लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है 4 यूनिट लेकर के चलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे 4 यूनिट लेकर चलेंगे। और जब आप 4 यूनिट लेकर चलेंगे सर तो जरा दर्शन करिए आप, ये x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया और ये क्या हो गया सर y डैश हो गया। अब इस तरीके से सर जी आप नंबरिंग कर लीजिए, 0 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर इसके बाद 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, 24 हो गया, ठीक। इसी तरीके से आपका ये सर होगा आपका 4 हो गया, फिर आपका 8 हो गया, फिर आपका 12 हो गया, फिर आपका 16 हो गया, फिर आपका 20 हो गया, फिर 24 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव को दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब सर जी आपको पता है x x डैश हो गया, y y डैश हो गया। अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, इस चीज को अच्छे से बेसिकली रिप्रेजेंट करना बॉक्स को ध्यान में रख करके। तो आपको यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना है 10 है, जब x की वैल्यू हमारा 10 है तो 10 मतलब 8 और 12 के बीच में यहाँ पे आया, तो x की वैल्यू सर सॉरी x की वैल्यू आपका 8 और 12 तो 12 के बीच में 10 आपका यहाँ कहीं आया, समझ में आ रहा है। तो 10 पे क्या है 6 है सर, तो 6 कहाँ आया सर 4 से 8 के बीच में आया, तो ये 10 है सर ये 6 है। तो इस तरीके से आप ऐसे मतलब ग्राफ पे देख सकते हैं, तो ये आपका ग्राफ होता है, तो ये लाइन उस पे बनी होती है, तो इस तरीके से आपका क्या है सर 10.6 बन गया, ठीक। इसी तरीके से 12 है, x की वैल्यू 12 पिक्चर में दिख रहा है सर, 12 है तो 8 है, तो 12 पे 8 सर जी आप पिक्चर में बिल्कुल यहाँ पे पास में ही है, तो ये 12 पे 8 आ गया, तो ये 12 कॉमा क्या हो गया सर 8 हो गया, ये पॉइंट आपका, ठीक है ना सर जी। अब इसी तरीके से x पे 16 है तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 16 ये है सर, y की वैल्यू 12 पिक्चर में देखिए सर 12 ये आ गया सर, ठीक है ना। तो 12 आपका बेसिकली जो है
अब मींस ये बनकर क्या गया 16 पे कितना भी है 12 है, तो 16 कॉमा कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगला देखिए, x पे 20 है तो y पे 16 है, 20 ये है और 16 आप यहां पे पिक्चर में देखिए, तो इस तरीके से आपका एक देखिए सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बोलो आया समझ में, क्लियर है? तो आप यहां पे देख सकते हो ये 16 12 हो गया, ये आपका 20 कॉमा कितना हो गया 16 हो गया। बोलो आया सर समझ में, क्लियर हो गया? ये लाइन आपको दिख रही है, तो ये बन गया सर किसका, x माइनस y इक्वल टू किसका 4 का बन गया सर, x माइनस y इक्वल टू क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसके बाद अगले का बनाएंगे सर, अगले इक्वेशन का। ठीक है, तो x plus y 30 है, 20 कॉमा 16 सिखाता है सर, लो भैया 20 कॉमा 16 ये आपका है ना भी 2016, तो ये आपका दूसरे का भी वही है। अगला 16 20 है सर, 16 पे 20 है, x 16 है y 20 है सर, लो तो ये x पे 16 आपका कॉमा कितना हो गया 20 हो गया। अगला सर 18, तो आपका इस बीच में आएगा 18 पे 18 है, 18 पे 18 है, लो भाई 18 पे 18 ऐसे बना लीजिए। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो है आप देखिए, तो एक अनदर लाइन आपको इस तरीके से दिख रही है, तो ये सर किसका है, x plus y equal to 36 का है ये 18 कॉमा 18 का ग्राफ। बोलो आया सर समझ में? तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया सर वो कौन सा है, वो ये वाला पॉइंट है 20 कॉमा 16 का। बात समझ में आई कि नहीं सर, क्लियर है यानी? तो इसका मतलब इसके जो डायमेंशन होंगे, तो डायमेंशन क्या होंगे सर जी, सिंपल सा डायरेक्टली लिख सकते हो ग्राफ से, डायमेंशन जो लेंथ आपका हो गया सर, लेंथ जो था विड्थ से क्या था 20, देखो आया साफ साफ दिख रहा 20 हो गया, और इसके बाद जो लेंथ आपका हो गया वो कितना हो गया सर जी, लेंथ आपका 20 हो गया और विड्थ आप देखें सर, विड्थ y था, तो विड्थ y कितना आ गया सर 16 आपको ग्राफ में दिख रहा है। बोलो देखिए 4 ज्यादा है कि नहीं, 4 ज्यादा है तब जो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है? कितनी सिंपल तरीके से आपने सीखा, इसे ग्राफिकली सीखा। अब इसी चीज को जो है हम अदर मेथड से सीखते हैं कुछ सेकंडों में, ध्यान से देखिएगा सर जो अभी हम आगे आपको मेथड सिखाने वाले। बोलिए समझ में आ गया? ओके सर जी, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस आपको सीखते हुए चलना है, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना। ठीक है ना, देखिएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिए। आपसे यहाँ पे ये बोला गया सर, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास मतलब फोर मैथड नंबर टू इसका देखेंगे सर, मेथड टू भी देख लीजिए। इसमें आपको क्या था सर, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आया था ना, इसी क्वेश्चन में माना था, इसे क्या माना x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 30 से, इसी क्वेश्चन में क्या मान लिया 2 मान लिया। तो क्या करना है सर, हम इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम आगे आपको सिखाने वाले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड हम आपको इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सिखाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक, तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे सर, एडिंग इक्वेशन 1 x का कोफिशिएंट क्या है सर 1, x का कोफिशिएंट क्या 1 माइनस y का प्लस y, कोफिशिएंट क्या दोनों का सेम माइनस 1 प्लस 2, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो आप इसे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख देंगे सर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो इस तरीके से x माइनस y इक्वल टू 4 है और x प्लस y इक्वल टू क्या है 36 है, ऐड करेंगे तो माइनस y प्लस y क्या हो गया कैंसिल, x प्लस x कितना हो गया मेरे भाई लोग 2x हो गया और ये कितना हो गया 40 हो गया। अब x के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 40 अपॉन कितना आ गया मेरे भाई लोग 2 आ गया, तो 2 का टेबल पर 2 2 4 0 0 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। समझ में आ गया कि आपको भी द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दीजिए सर, क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना मेरे भाइयों, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में फर्स्ट कर पुट कर लो एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से x आपका जो है कितना आ गया 20 आ गया, 20 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 4, अब अगर ये प्लस 20 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो गया 20 हो गया। और आपने पढ़ा है बड़ा माइनस छोटा, क्या पढ़ा है सर बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा हमेशा क्या होता है सबट्रैक्शन, जब डिफरेंस साइन हो तो आपका 16 हो गया बट कैसा नेगेटिव हो गया और माइनस माइनस का हो गया कैंसिल हो गया, तो वही बराबर क्या 16 मीटर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, तो लेंथ आपका कितना हो गया 20 मीटर हो गया और विड्थ आपका कितना हो गया 16 मीटर हो गया। अभी आपने ग्राफिकली निकाला था और एक देखो मेथड, ठीक है अभी हम ये सीखने वाले सर। ठीक है, कौन सा मेथड पढ़ेंगे, एक हमने इसमें इलिमिनेशन का यूज किया है और इलिमिनेशन मेथड है ना भाई। तो बोलो आया समझ में आने, क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो समझ में आ गए मेरे भाई लोग, इन डाउट? ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7-6 की बात करेंगे, ध्यान से समझ लें, क्लियर है या नहीं सभी को? ठीक है ओके, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से बस देखते रहिए, आपको बस फुल मार्क्स टारगेट है कि आपके फुल मार्क्स बनने चाहिए, बस ध्यान से आप देखते रहिए सीखते रहिए और समझते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आपसे ये कहता है कि गिव द लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हैं सर जी, 2x + 3y - 8 = 0, ध्यान दीजिएगा
2x plus 3y minus 8 equal to 0, ये हमारे पास एक equation given है, और इस equation को ध्यान में रख करके हमें एक ऐसा another equation अपने तरफ से देना है, जो basically intersecting line भी हो, parallel line भी हो, और इसके साथ क्या क्या बोला सर, ध्यान दीजिएगा, intersecting line हो, और दूसरा आपसे ये बोला सर parallel line हो, और तीसरा आपसे बोला coincident line हो, कैसा हो, parallel line हो, और तीसरा आपसे बोला है coincident line हो, क्या हो सर जी, coincident line हो, बस समझ में आ गया। तो ये तीन तरीके की चीजें आपसे पूछी, बाकी सर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, देखिए इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सर आपके पास ये इक्वेशन है, ध्यान से समझिएगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन जब आपको बनाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं, उसमें कुछ आपका जैसे ये 2x है तो आप यहां पे करेंगे 3x, और ये 3y लिखा है सो आप करेंगे 2y लिख दो, और माइनस जो 8 है उसकी जगह कुछ भी लिख दो 5 लिख दो 6 लिख दो, डजंट मैटर, आगे बस समझ में, इक्वल टू क्या हो गया सर 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का, क्योंकि अब यहां से आप वैल्यू निकालो सर इस इक्वेशन से जो हमें गिवन है, तो x का कोफिशिएंट क्या सर a1 आपका 2 है, y का कोफिशिएंट क्या सर आपका b, मतलब b1 बराबर कितना है 3, कांस्टेंट टर्म क्या है c1 माइनस 8 है। आपने जो ये इक्वेशन अपनी तरफ से बनाया, मैंने कुछ नहीं किया सर, इस इक्वेशन को ध्यान में रख करके बस इनकी बेसिकली वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया सर। तो आपका x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे a2 बराबर 3 है, y का कोफिशिएंट क्या b2 बराबर 2 है, कांस्टेंट टर्म c2 क्या माइनस 6 है। तो अब इसमें रिलेशन क्या होता है सर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या, देखिए निकालिए सर रेशियो, 2 अपॉन कितना आ गया सर 3 आ गया, b1 अपॉन b2 निकालिए तो देखिए सर कितना है 3 है, और यहां पे कितना है 2 है। अब आप ये देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 क्या है, नॉट इक्वल क्या हो गया सर b1 अपॉन b2 हो गया, और यही कंडीशन क्या होता है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होता है। बोलो आया समझ में नहीं, तो ये आपको एग्जांपल देना था कि बेसिकली किस तरीके से, मतलब इक्वेशन आपको देना था इंटरसेक्टिंग लाइन का, बोलो देखेंगे या नहीं, आया समझ में, ओके। अब इसके बाद चलिए पैरेलल लाइन की बात करते हैं, सब ध्यान से समझिएगा। पैरेलल लाइन में आपको इक्वेशन एक दे रखा है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। आपको पता है पैरेलल लाइन में क्या होता है कि दो रेशियो क्या होने चाहिए सेम, जैसे 2x है तो इसका डबल कर दो सिर्फ 4x कर दिया, 3y है तो आप इसको चाहे मान के 6y कर दो, और इसको जो है आप क्या बना दो सर 5 बना दो इक्वल टू 0 कर दो। आगे बस समझ में सर, आपको भी ये कैसे आपके दिमाग में, मेरे भैया आपको याद होना चाहिए a1 upon a2 पर पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to क्या होता है c1 upon c2 होता है। अब आप देखिए 2 upon 4 करोगे तो 1 upon 2 आएगा। अब इसे यहां से कंपेयर करें फर्स्ट इक्वेशन के लिए, आप a1 ठीक है ना, तो a1 बराबर कितना है 2 है, b1 बराबर कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, और कांस्टेंट टर्म c1 कितना है माइनस 8 है। यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट a2 मतलब आपका 4 हो गया, b2 कितना आ गया सर 6 आ गया, आपका c2 कितना आ गया माइनस 5 आ गया। अब आप यहां पे a1 अपॉन a2 निकालें तो 2 अपॉन 4, 2 इनटू 2 2 2 4 दैट मींस कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया। इसी तरीके से आप b1 अपॉन b2 करें तो आपका 3 अपॉन 6 दैट मींस कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया, 3 1 3 3 2 6। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 करें तो आपके पास माइनस 8 अपॉन माइनस 5, तो इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 8 अपॉन क्या आ गया सर 5 आ गया। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो सर कि बेसिकली a ऑफ दैट मींस यहां से क्या सीख लिया कि सर a1 अपॉन a2 जो है इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल क्या है c1 अपॉन c2। तो ये आपका आंसर हो गया सर दूसरा पार्ट, क्लियर हो गया कि नहीं। तो 4x plus 6y minus 6 ऐसे आपको बस एग्जांपल देना था, कंडीशन मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया। बोलो आया समझ में, क्लियर है सर, ओके। अब इसके बाद थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं सर, कोइंसिडेंट लाइन है। अब कोइंसिडेंट लाइन सर चलो पिक्चर में आपको यहीं पे हम समझा देते हैं, आपके पास ये तो सर 2x plus 3y minus 8 है, तो इसमें आपको पता क्या है सर, सिंपल सा है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो क्या होता है सेम होता है, बस ये कंडीशन आपको देना है। तो उसी तरीके से कोफिशिएंट टेक कर लीजिए, तो आपका मन के तो आप चाहे यही लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए 4x प्लस क्या है 6y माइनस 8 का डबल कितना होता है 16 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। लो सर बन के तैयार हो गया। अब आप यहां पे देखिए a1 a2 तो आप यहां निकाल चुके हो सर, आप b1 मींस a2 आप देखिए निकाले यहां पे 4 आ गए, b2 आपका कितना हो गया 6 हो गया, c2 कितना हो गया माइनस 16 हो गया। अब आप सर जी ये रिलेशन आप इसे फाइंड आउट करते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो उस केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आएगा सर, देखिए a1 आपके पास 2 है 2 अपॉन 4 हो गया दैट मींस कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से b1 अपॉन b2 आपने निकाला तो b1 आपके पास कितना है सर 3 है, 3 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, तो ये भी कितना हो गया सर 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक इसी तरीके से आपका c1 अपॉन c2 निकालिए तो -8 अपॉन -16 कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया, आएगा ना सर 8 1 जा 1 8 2 जा 16। बोलो आया समझ में। अब इस तरीके से मेरे भाई आपका क्या हो गया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या हो गए इक्वल आ गए सर, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या हो गया इक्वल आ गया, और जब ये इक्वल आ गए तो क्या हो गया कोइंसिडेंट लाइन हो गया। बोलो आगे, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कंडीशन याद रखना, एग्जांपल देना कंडीशन याद रखो, उन्हीं नंबर से अब नंबर लगाना।
बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, डबल कर दो ऐसे कुछ, ठीक है ना। एनी डाउट आगे समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है, तो ध्यान से इसे लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में कई बार 3 नंबर में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए सर इसको रिवाइज करते हैं, फिर बात करते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? ओके चलिए सर, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना मेरे भाइयों, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको सिखाएंगे सर, ध्यान से देखते रहिए। चलिए चलिए देखिए, आपको यहाँ पे सर क्या कहा गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन दिया गया है आपसे, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे ये बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपसे बोला गया x - y + 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसके बाद इसने बोला एंड 3x + 2y - 12, तो 3x + 2y - 12 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन क्या बन गया, 2 बन गया। आगे इसने कहा क्या, तो ये तो हो गया ड्रा करना है ग्राफ, ओके। इसके बाद है डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना उसमें कुछ ट्रायंगल सा बनेगा, तो उनकी कुछ ट्रायंगल की हमें क्या करना होगा, वर्टिसेस निकालना होगा। क्या निकालना होगा सर, वर्टिसेस निकालेंगे, और वर्टिसेस बहुत आसान से देगा सर ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर अगेन आपसे कहा गया एंड फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, आपको ये बताया गया एक्स एक्सिस एंड सेट द रीजन का मतलब ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगुलर रीजन, ओके। तो चलो सर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, तो ध्यान से समझिए और कुछ भी आपको नहीं करना है। चलो सर शुरू करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से वही पुराना गाना गाना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x - y + 1 लिखा हुआ है, तो x - y + 1 = 0, माइनस वाई है, प्लस एक्स है, प्लस 1 है, दोनों जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -x - 1। अब मैंने क्या किया सर, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से y = सब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, y = x + 1 हो गया। बोलो आया समझ में, या चाहे माइनस कॉमन कर लो तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो क्लियर है मेरे भाई, ठीक। अब इस तरीके से आपका जो पुट कर दीजिए, x = 0 मेरे भैया, तो y = क्या आ गया, 0 + 1 = क्या होता है, 1 होता है। पुट कर दीजिए, मान के x - 1 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y = क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो गया, तो कितना आ गया सर, 0 आ गया, बोलो क्लियर है। इसी तरीके से दो वैल्यू और निकाल लेते हैं, पुट कर देते हैं x = 2, तो x = 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y = 2 + 1 हो गया। इस तरीके से y = कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया, बोलो आया समझ में, ठीक। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग पुट एक और वैल्यू पुट करना चाहते हो, चलो भाई कर लो, कर लो, कोई नाराज होने की बात नहीं है। तो y = 3 + 1 हो गया, दैट मींस कितना आ गया, 4 आ गया सर, कितना आ गया, 4 आ गया सर, बोलो आया समझ में, नहीं है क्लियर है। आप इसके बाद बात करते हैं मेरे भाई लोग, अब ये आ गया बॉक्स बना लेते हैं सर। सबसे पहला काम बॉक्स, वैल्यू निकालने के बाद क्या बनाना होता है, बॉक्स बनाना होता है सर। x हो गया सर जी, y हो गया, x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू क्या है, -1 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है, x की वैल्यू क्या है सर, 2 है, y की वैल्यू क्या है, 3 है, x की वैल्यू क्या है, 3 है, y की वैल्यू क्या है, 4। लो भाई एक का बॉक्स बन गया इक्वेशन फर्स्ट से, आया बात समझ में, क्लियर है मेरे भाई, एनी डाउट, मजा आ रहा है ना मेरे भाई, ओके। चलो सर आगे बात करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए पिक्चर में, आगे बहुत ही मजेदार है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल हटिएगा नहीं वीडियो कैसे, नहीं मजा कम करके हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो चलिए सर आगे बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, 3x + 2y - 12 = क्या लिखा हुआ है सर, 0। 3x + 2y - 12 = क्या लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है। तो चलिए सर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, तो इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो 2y हो गया सर, ये -12 है तो +12 हो गया, ये +3x है तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर क्या करेगा डिवाइड, तो y = क्या हो गया, 12 - 3x / कितना आ गया सर, 2 आ गया, बोलो आया समझ में। अब हमें x की वो वैल्यू पुट करना है जिससे कि आपका न्यूमरेटर जो है ना सर, न्यूमरेटर में आपका 2 का मल्टीपल बनना चाहिए, आई बात समझ में, ये 2 का मल्टीपल होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा, बोलो बात समझ में। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, न्यूमरेटर में x की वो वैल्यू रखना है जिससे कि वो आपका क्या हो, 2 का मल्टीपल बने, क्योंकि जब 2 का मल्टीपल बनेगा तभी वो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, बोलो आया समझ में, यानी क्लियर। तो चलिए सर बात कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, पहला पुट 12 होता है ना, तो x = 0, तो y = 12 - 3 * 0/2, तो दैट मींस y = 12 / 2 का है 0। तो इस तरीके से जो मेरे भैया लोग आप देखिए यहां पे y = 12/2 आ गया, तो 2 * 2 = 6 = 12, तो y की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसके बाद क्या पुट करेंगे सर, अब इसमें पुट कर सकते हैं x बराबर जो है, आप ये 0 पुट कर दिए हो तो 1 करोगे तो सर 12 - 3 हो जाएगा, 9 आएगा तो 9 ही होता है,
आप 2 रख दीजिए सर, 3 2 6 तो पुट कर दीजिए x बराबर 2, क्या पुट कर दीजिए x बराबर 2, तो x बराबर 2 आपने पुट किया तो 12 माइनस 3 इनटू 2 अपॉन कितना हो गया सर 2 हो गया, तो 12 माइनस क्या हो गया 3 2 6 अपॉन 2 हो गया, तो 12 में से 6 गया 6 आ गया, 6 अपॉन कितना हो गया 2, 2 1 2 2 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई, बोलो आया समझ में नहीं, तो x की वैल्यू जब आपने 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गया 3 आ गया, ठीक। इसी तरीके से एक और वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग, पुट x बराबर जो है सर जी अब बात ऐसा क्या रखोगे, यार मान लीजिए सर आप 3 रखते हो तो इधर आप 3 रखोगे 9 होगा, 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा, चलो सर बहुत अच्छी बात है 4 रख दीजिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 3 इनटू कितना हो गया 4 हो गया, बोलो ऐसे समझ में नहीं रहा, और अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, तो y इक्वल टू 12 माइनस 12 अपॉन 2, तो दैट मींस आपको पता है y इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा सर 0 आएगा, बोलो आया समझ में नहीं, तो यहाँ पे भी देखिए हमने 3 या 4 वैल्यू क्या किए सर ऑब्टेन कर लिए, बोलो आया, तो एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम मिनिमम 3 टू 4 वैल्यूज होनी ही चाहिए, आई बस समझ में नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा, बोलो समझ में आ गया मेरे वैल्यू क्लियर है, ओके तो चलो सर आ जाओ, ठीक है आप यहाँ पे ध्यान से देख रही है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पर इस चैनल पर लेकर आइए मेरे भाई लोग, आपको बहुत मजा आएगा, डे बाय डे आपको टॉपिक मिलता रहेगा और नए नए कॉन्सेप्ट नए नए तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाते रहेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो पे बने रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, आपका मजबूत करेंगे बिल्कुल बढ़िया मस्त फाड़ू, ओके तो चलिए सर आपसे एक आ गया, एक्स की वैल्यू जो है सर पिक्चर में देखिए कितना है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है पिक्चर में देखिए सर 6 है, एक्स की वैल्यू जो है आगे देखिए पिक्चर में 2 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3 है, एक्स की वैल्यू जो है 4 है, तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, बोलो बस समझ में आ गया ना सारे वीडियो, ठीक है एनी डाउट्स ठीक। अब ये तो सर जी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया बॉक्स, अब चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं और जो इसने कहा है उपाय करते हैं, ठीक है ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखिएगा मेरे भाई लोग, क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रहा है और मजेदार क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का, इसे ध्यान से बस देखते रहिए और समझते रहिए सर, ठीक है तो चलिए सर देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे जो है वीडियो आपको दिया गया है सर, ध्यान से देखिए ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल, ये आपका एक्स सॉरी ये x हो गया और ये हमारा x डैश हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया सर y डैश हो गया, ठीक है अब इस तरीके से जो है सर ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या है, नंबरिंग कर लीजिए सर आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है इसी तरीके -1 -2 -3 बहुत है -1 -2 -3 -4, ठीक है आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है इतना बहुत है, क्लियर अब जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो उसी प्रकार से ग्राफ पे नंबरिंग करेंगे कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना सर बोलो आया समझ में, आंसर क्लियर होना चाहिए, ठीक अब देखिए सर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 के रही है सर, y की वैल्यू क्या है सर 1 लो गया पहला पॉइंट आ गया 0 कॉमा आपका 1 आ गया, इसके बाद x की वैल्यू -1 है सर कॉमा 0 है, ये देखो भैया -1 इस पे 0 होता है तो -1 कॉमा क्या आ गया 0, ये y की 0 की लाइन है, x एक्सिस जो पूरी होती है वो y की 0 की लाइन होती है और y एक्सिस जो होती है वो x की 0 की लाइन होती है, ओके सर समझ में आ गया, ठीक तो चलिए सर आगे देखिएगा, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है तो ये आपका क्या आ गया सर 2, 3 आ गया, ठीक x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 3, 4 तो आप अभी इससे क्या करेंगे सर ड्रॉ करिए लाइन, आपका स्ट्रेट बिल्कुल लाइन आएगा ध्यान से, ठीक है ना भैया लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइए यहाँ पे, चलिए ऐसे दिखा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर 3, 4 अब इस तरीके से जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके पास आ गया x माइनस वाई प्लस 1 का लाइन, किसका आ गया सर x माइनस 1 वाई प्लस 1 की लाइन आपके पास ड्रॉ होगी, बोलो आया सर समझ में क्लियर है सर जी, ठीक एरो ऐसे आप दिखा देंगे, ठीक है ना आप बिल्कुल जो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे बिल्कुल क्लियर आएगा, ठीक है सर जी बोलो आगे समझ में, ठीक अब दूसरे के क्वेश्चन बना था x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है सर 6 है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है सर x की 0 की लाइन 6, तो ये सर आपका 0, 6 हो, अगला जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है सर 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है सर 3, यही आपका 2, 3 अगेन, अगला आपसे फिर ये कहा गया x की वैल्यू जो 4 है तो y की वैल्यू क्या है सर 0 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है सर 0 है, बोलो आगे सर समझ में आने क्लियर है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, 0, बोलो आया सर समझ में, अब क्वेश्चन में ये तो हो गया हमारा डायग्राम इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना यूनिक सॉल्यूशन है 2, 3 क्या सर 2, 3 है, लेकिन इसने पूछा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, आगे बोला था एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो देखिए भैया ट्रायंगुलर रीजन शेडेड रीजन ट्रायंगुलर ये आ गया, एक्स एक्सिस हो गया सर
ट्रायंगुलर रीजन आपका ये आ गया। बोलो क्लियर, इस पॉइंट को मानो ए, इस पॉइंट को मानो बी, इस पॉइंट को मानो सी। बोलो क्लियर है। और आप देखो सबके वर्टाइसिस भी आपको पता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। सर जी डार्क कर दे रहा हूँ, आप देख सकते पिक्चर में एक्स आपका ए का वर्टाइसिस है, कोऑर्डिनेट से 2.3 है, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या आपका g1-1, क्या है 0 है, और आपका मीन्स से जो सी पॉइंट माना है उसका कोऑर्डिनेट कितना है 4.0 है। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर हो गया, कोई दिक्कत सर इसमें? ये आपका ट्रायंगुलर शेडेड रीजन हो गया, ये लाइंस हो गए, और इसके बाद जो है एक्स एक्सिस आपका हो गया, और इनके वर्टाइसेस हो गए ए बी सी, और जिनकी कोऑर्डिनेट आपको पिक्चर में लिखो। टेबल आ गया समझ में यानी? तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज पूरा क्या होता है सर जी, कंप्लीट होता है। बोलो आया सर समझ में नहीं? कल से हम आगे बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज के आपको हमने एक एक क्वेश्चन सिखाए हैं, जो बस आप अच्छी तरीके बेहतरीन तरीके से सीख लेना सर, बोर्ड में एक क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज से आएगा ही आएगा, किसी को टाल नहीं सकता। इसलिए आप लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक वीडियो को देख करके ध्यान से समझते हुए करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूं, और ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे मार्क्स 10th क्लास में और 9th क्लास में भी पा सके, क्योंकि इस चैनल पर 9th और 10th अभी चल रहा है, आफ्टर सम टाइम दे वी स्टार्ट नाउ 11th एंड 12th आल्सो। ओके, बस समझ में आ गया मेरे लोग? चलिए सर, ओके थैंक यू।